आरडीसी कैंप करना चाहते हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप आरडीसी किस इवेंट के थ्रू जाना चाहते हैं। ड्रिल के थ्रू जा सकते हैं, कल्चर के थ्रू जा सकते हैं, गार्ड के थ्रू जा सकते हैं, फ्लैग एरिया के थ्रू जा सकते हैं, बैस्केट और वाईपी के थ्रू जा सकते हैं। ये आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले आपके बटालियन पे कॉम्पिटिशन होंगे, बटालियन लेवल पे सिलेक्ट होने के बाद आपका इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन होगा, आपको दूसरी बटालियन के साथ कॉम्पिटिशन होगा। वहां पर जो कैट सिलेक्ट होंगे उनका होगा आईजीसी करके कैंप इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे आपका आईजीसी कॉम्पिटिशन होगा जिसमें जो कैट सिलेक्ट होंगे उनका होगा प्री आईडीसी 1, प्री आईडीसी 2 और प्री आईडीसी 3। ये जो ऊपर की चीजें हैं ये सारी ही आपकी सिलेक्शन की चीजें, और नीचे जो है आपकी है प्रिपरेशन की चीजें। ठीक है, अगर आपको आरडीसी कैंप जाना है तो सिलेक्शन के प्रोसेस से निकलते हुए आपको प्रिपरेशन वाले फेज में जाना होगा। तो और बता दूं, आपके सिलेक्शन यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, जब आप पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे तो लास्ट फाइनल आरडीसी 3 में भी आपके सिलेक्शन होते हैं, और वहां से गेट्स फाइनल होते हैं दिल्ली जाने के लिए।